हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एलबी ड्राइंग्स। और आज हम बनाने जा रहे हैं दिवाली स्वीट्स में दिवाली के गोल गोल मैदे की पपड़ी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ड्राइंग। सबसे पहले पेपर पर आप इस तरह के दो छोटे छोटे हाफ सर्कल ऊपर नीचे बना लीजिए, क्योंकि इस बार हमारी प्लेट की डिज़ाइन कुछ और रहने वाली है। अब हम यहाँ पर इस तरह का शेप निकालेंगे और दूसरी लाइन से जोड़ देंगे और अंदर की तरफ एक छोटा सा शेप बना देंगे। इसी तरह की लाइन इधर भी निकालेंगे और अंदर एक छोटा सा शेप बना देंगे। ये हमारी बन गई है प्लेट। अब इस प्लेट के अंदर हम छोटे छोटे गोल सर्कल बना देंगे। आपको ये ज़्यादा गोल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो पपड़ियाँ होती है वो तलने के बाद अपना सर्कुलर शेप भूल जाती है और आड़ी टेढ़ी हो जाती है। इसी तरह से आगे वाली पपड़ी, फिर उसके आगे वाली पपड़ी। ये पपड़ियाँ एक दूसरे के नीचे रखी हुई है, इसलिए हम इसे ओवरलेप ना करते हुए एक पॉइंट से निकालते हैं और दूसरे पॉइंट पर ले जाकर दूसरी पपड़ी से जोड़ देते हैं। ये देखिए, हमारी सारी पपड़ियाँ बन गई है। अब हम इसमें बनाएंगे छोटे छोटे सर्कल्स। बहुत बढ़िया, ये सर्कल्स पपड़ियों के पैटर्न्स होते हैं जो पपड़ियों को तलने के बाद इसमें दिखाई देते हैं। बहुत खूबसूरत, इसमें भी डिज़ाइन बन गया है। अगली पपड़ी में पैटर्न्स डालेंगे, छोटे छोटे पैटर्न्स, छोटे बड़े सर्कल्स डालेंगे। ड्राइंग अपने आप में बहुत खूबसूरत सी चीज़ है। आप उसे जितना डिटेल में बनाएंगे उतना आपका दिमाग क्रिएटिव होता जाएगा। बहुत बढ़िया, आप चाहें तो अपने हिसाब से जो डिज़ाइन डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए। मैंने इस तरह की छोटी छोटी सर्कुलर डॉट डाले हैं, आप आड़े टेढ़े डिज़ाइन भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत, अब हमारी लास्ट वाली पपड़ी में हम डालेंगे इस तरह का डिज़ाइन। और देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी दिवाली की गोल गोल पपड़ियाँ का ड्राइंग बन के रेडी हो गया है। आपको ये ड्राइंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले दिवाली स्वीट्स वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।